दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बागेश्वर में महिलाओं को धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में 17 स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के फैकल्टी इंचार्ज चंदन सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और मार्केटिंग की जानकारी दी गई। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये नगर पालिका में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT द्वारा जो है ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें धूप, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इस चीज़ का प्रशिक्षण लेकर अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं और यही लोकल बागेश्वर में ही इस चीज़ का ये व्यवसाय भी कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षक भावना जोशी ने बताया कि महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, वह आत्मनिर्भर भी होती हैं। आज लगातार हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को काफ़ी लाभ हो रहा है। 17 समूह की महिलाएं भाग ले रही है और ये लोग यहाँ पर हम लोग इनको सिखाने का मेन कारण है कि इनका आजीविका का साधन बने और ये अपना एक रोजगार शुरू कर सके, जिसमें इनको हर्बल धूप, अगरबत्ती और आज इनको पैराफिन वैक्स सिखाई गई है, जिसमें कि जेल वैक्स, पैराफिन वैक्स, जो अभी आने वाले समय में दिवाली में ये लोग अपना रोजगार कर सकते हैं, एक अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। वहीं शिविर में प्रशिक्षण ले रही सपना तिवारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। मैं ये अंत्योदय योजना के तहत ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें हमें मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप, इन सभी चीज़ों को बनाने के बारे में बताया जा रहा है और बना के दिखाया भी जा रहा है और हमारे द्वारा बनवाया भी जा रहा है और हमें बताया, अगर ये हमें अच्छी तरह से हम प्रशिक्षित हो जाएंगे तो इसमें हम समूह के जो मेम्बर हैं, जो हमारे 10-10 सदस्यों के जो समूह बने हुए हैं, इसमें हम स्वरोजगार कर सकते हैं।